कंबल में सो रहे युवक की धारदार हथियार से काटकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के शक की सुई परिजनों एवं मृतक के अर्धविक्षिप्त भाई की ओर है। घर में बेड पर युवक की हत्या की वारदात नकासा थाना के गांव रिठाली की है, जहां 32 साल के युवक का खून से सराबोर शव मिला है। हत्या की सूचना के बाद थाना पुलिस एवं सीओ ने मौके का मुआयना कर मृतक के अर्धविक्षिप्त भाई को हिरासत में ले लिया है। मृतक के इस भाई की शर्ट पर खून लगा हुआ है। इधर सीओ अरुण कुमार ने शुरुआती जानकारी में घर में विवाद बताया है। अलबत्ता पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मृतक की मां का कहना है कि उसका छोटा बेटा बाबला है और वह बर्बाद हो गई है। आज प्रातः थाना नखासा स्थित ग्राम रिठाली में दीपक टीटू पुत्र इंदल सिंह उम्र लगभग 32 वर्ष जाति जाटव की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया तो मृतक का शव उसके मकान के अंदर उसके कमरे में बेड पर पड़ा पाया गया, जिस पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच व पूछताछ में मृतक का उसके परिजनों, उसकी माँ व उसके पिता व उसके भाई से विवाद रहता था। इसी विवाद के चलते हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। जांच के दौरान मृतक का छोटा भाई आकाश, जो कि अर्धविक्षिप्त है, के शरीर पर वह कपड़ों पर खून के निशान मिले हैं, जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।